रत्नसेन भारती, आज हम बात करेंगे बिहार में मॉनसून को लेकर। एक तरह से कह लें कि देश में मॉनसून की दस्तक हो गई है, ऐसे में अब कहा जा रहा है कि बिहार में भी इस बार झमाझम बारिश होगी। देश में मॉनसून को लेकर एक बार फिर से अच्छी खबर सामने आई है। मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार यह बताया जा रहा है कि देश में पिछले बार से भी बेहतर बारिश होने की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार यह बताया गया है कि इस बार जून से सितंबर तक देश में 103% बारिश होने की उम्मीद जताई गई है। बता दें कि मौसम विभाग ने पहले ही यह बता दिया था कि देश में 99% बारिश होने का अनुमान लगाया गया था। बता दें कि अगर हम देश की बात करें तो जून महीने में पंजाब में सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना जताई गई है। दक्षिण भारत में मॉनसून अब आगे बढ़ रहा है। मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार यह बताया गया है कि पिछले 24 घंटे के दौरान लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और केरल में हल्की से मध्यम बारिश हुई है। हालांकि कहीं कहीं पर भारी बारिश भी दर्ज की गई है। IMD की तरफ से जारी बुलेटिन में यह बताया गया है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून पूरे केरल में छा गया है। कर्नाटक व तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में, दक्षिण पश्चिम के कई इलाकों में आगे जो है मॉनसून वह लगातार बढ़ रहा है। अरब सागर में आ रही मॉनसूनी हवाओं के असर से केरल, लक्षद्वीप में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की पूरी संभावना जताई गई है। अगले 5 दिनों में कर्नाटक में भी छिटपुट के बारिश होने की पूरी संभावना है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुडुचेरी में भी छिटपुट बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार यह बताया गया है कि जम्मू कश्मीर और हिमाचल में भी पश्चिमी विक्षोभ जो है वह एक्टिव हो गया है, जिसके कारण प्रदेश में अगले 3 से 4 दिनों तक बारिश होने की पूरी संभावना जताई गई है। साथ ही साथ यह बताया गया है कि पश्चिमी राजस्थान से लेकर हरियाणा, उत्तर प्रदेश की बिहार में भी जो है निम्न दाब का क्षेत्र बना हुआ है। इसके चलते हरियाणा, दिल्ली और वेस्ट UP में गरज के साथ बारिश होने की पूरी संभावना है। साथ ही साथ यह बताया गया है कि अगले 24 घंटे में देश के कई हिस्सों में धूल भरी आंधी और बारिश होने की संभावना जताई गई है। भारतीय मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार यह बताया गया है कि बंगाल की खाड़ी से उत्तर पूर्व की तरफ निचले स्तर की दक्षिण पश्चिम हवाएँ 2 जून से मजबूत होने की संभावना है, जिससे झारखंड और आसपास के इलाकों में चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है, जिसके कारण यह बताया जा रहा है कि बिहार, झारखंड, उड़ीसा के गंगीय पश्चिम बंगाल के गरज के साथ बारिश होने की पूरी संभावना जताई गई है। साथ ही साथ बिजली गिरने की भी पूरी आशंका जताई गई है। अगर हम बिहार की बात कर लें तो बिहार में पिछले 35 दिनों से लगातार पूर्वा हवा का प्रवाह है, जिसके चलते प्रदेश में लू जैसे हालात इस दौरान हमें देखने को नहीं मिले हैं। लेकिन 17 से 20 मई के बीच में प्रदेश के दक्षिण पश्चिम बिहार में पछुआ हवा का प्रभाव रहा, जिसके कारण प्रदेश के 1 से 2 ऐसे स्थान थे जिसमें कि गया, बक्सर, पटना, नालंदा, नवादा, ये वो इलाके थे जहाँ पे हमने लू जैसे हालात, खास करके अगर हम औरंगाबाद की बात कर लें तो यहाँ भी लू जैसे हालात प्रदेश के कुछ दिनों में हमें देखने को मिले हैं। लेकिन अब हम अगर हम बात कर लें तो पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से प्रदेश में पूर्वा हवा का प्रवाह है, जिसके कारण वातावरण में नमी है, और कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों के बाद से जिस तरह से पूरे देश में मॉनसून एक्टिव होगा, बिहार के साथ साथ पूरे देश में मॉनसून एक्टिव होने की बात तो कही जा रही है। साथ ही साथ ये कहा गया कि जिस तरह से दक्षिण भारत में मॉनसून एक्टिव है, पिछले 3 दिनों से जिस तरह से झमाझम बारिश हो रही है, ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि बिहार में भी तय समय पर मॉनसून की दस्तक होगी। और बिहार की जो तय समय पर बारिश जो होने की संभावना जताई गई है, कहा गया है कि पूर्णिया में जो है बिहार में सबसे पहले मॉनसून की दस्तक होगी और पहली बारिश का जो नज़ारा है और जो मज़ा है वो पूर्णिया के लोग उठा सकेंगे। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें बिहार न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।